हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तिल के लड्डू बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो सफ़ेद तिल लिए हैं, पिस्ता और बादाम लिए हैं, गुड़ लिया है। गुड़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, घी को गर्म करेंगे। देखिए इस तरह से हिला करके हम घी को गर्म कर लेते हैं। और अभी जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको हम इसमें डालेंगे। तो पहले मैं बादाम को भूनूंगी। देखिए इस तरह से हिलाते हुए हम लोग हल्का सा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा उतना ही हमें इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। अब पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को भी हम लोग एकदम हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। जिस तरह से हमने बादाम को भूना है बस उसी तरह से हमें पिस्ता भी भूनना है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे काजू डाल सकते हो, खरबूजे के बीज वगैरह है वो भी डाल सकते हो। अब जो ये कढ़ाई है इसी में हम लोग तिल भी डालेंगे और तिल को भी भूनेंगे। तिल का बस हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए। ये देखिए तिल का एकदम से कलर चेंज हो गया है। और तिल को हमें डाल करके छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएंगे। अब गैस की आंच को बंद कर देंगे और तिल जब ठंडे हो जाएंगे तो उनको मिक्सी जार में डालकर हम लोग पीस लेंगे। पीसना हमें एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का दरदरा बनाना है। तो अभी हम इसको पीस लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने गुड़ लिया है वो इसमें ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे। हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही गुड़ को गर्म करना है। ये देखिए इस तरह से हिलाते हुए हमें बीच बीच में इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए एक गुड़ जो है एकदम से पिघल चुका है। इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है। और इधर जो है हमने तिल को पीस लिया है। तो ये देखिए हमने दरदरा ही पीसा है, इसको एकदम से बारीक पाउडर नहीं बनाया है। अब इसको एक दूसरे बर्तन में डालेंगे। और अब ये जो बादाम और पिस्ता है इनको भी डाल करके हम लोग हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इसको भी मैंने मोटा मोटा ही दरदरा सा पीसा है। इसको भी हम लोग तिल के अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ जो है एकदम से पक चुका है। ये देखिए गुड़ को बनाते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसका एकदम से कलर भी चेंज हो गया है गुड़ का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तिल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो लिए हैं इनको हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो अभी मिक्स हो चुका है ये।
अब जो गुड़ गरम किया है हमने, इसके अंदर हम लोग इसको मिलाएंगे। हमें गैस ऑफ कर देनी है, नहीं तो जल जाएगा ये। अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसको डालने के बाद इसको फटाफट मिक्स करना है, ठंडा होने के बाद में इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसको हमें गरम गरम में ही डाल करके मिक्स करना है और इसके गरम गरम के ही लड्डू बनाने हैं हमें। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हो चुके हैं, मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी लेकर के इस तरह से लेंगे और ये देखिए लड्डू बन गया है। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगाते जाएंगे और हम लोग जो है लड्डू बनाते जाएंगे। तो एकदम इजी होता है लड्डू बनाना ये। ये देखिए हमने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।